सो हेलो 3.2 के सब्सक्राइबर्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस पिछले वीडियोस में मैंने बताया था कि किस तरीके से आप जो लेटेस्ट वर्जन है उसको यूज़ कर सकते हो। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे हो तो वहाँ पे VPN भी प्रोवाइड कर दिया था मैंने, साथ में कैपकट भी प्रोवाइड कर दिया था, जिससे जो है आप टेम्पलेट के फीचर्स भी यूज़ करो और साथ में लेटेस्ट वर्जन का जो कैपकट है उसको भी यूज़ कर सकते। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का उस पर कमेंट आया कि किस तरीके से हम टेम्पलेट वाला ऑप्शन जो है यूज़ करें। हालांकि इस वीडियो में मैंने प्रोसेस बताया था, लेकिन इस वीडियो में मैं डिटेल में बताने वाला हूँ कि अगर आपने जो लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हो कैपकट, तो उसमें किस तरीके से जो है टेम्पलेट का फीचर यूज़ कर सकते हो, वो भी बहुत ही आसानी से। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो सभी प्रॉब्लम जो है इस वीडियो में मैं फिक्स करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट्स किए थे और मेरे को इंस्टाग्राम पर भी बहुत सारे लोगों ने मैसेज करा था कि किस तरीके से हम कैपकट में जो है लेटेस्ट वर्जन में खास करके टेम्पलेट का फीचर यूज़ कर सकें, क्योंकि जब भी हम उसको यूज़ करने जा रहे हैं हमें कुछ नेटवर्क इरर या फिर कुछ अलग डिफरेंट टाइप का जो इरर शो हो रहा है, जिस चक्कर में जो हमें वहाँ पे टेम्पलेट का प्रॉब्लम जो है आ रहा है या फिर टेम्पलेट शो नहीं हो रहा है, टेम्पलेट यूज़ नहीं कर पा रहे। तो ये वीडियो बिल्कुल उसी के ऊपर है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी इन इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे गिवअवेज वगैरह भी होते हैं, साथ में जितने भी फाइल्स हैं आपको वहीं पर मिल जाएंगे डायरेक्ट लिंक्स, तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन हो सकते हो। तो मेक श्योर करना वहाँ पे ज्वाइन हो जाओ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड हाँ, अब हम व्हाट्सएप पे भी हैं, तो अगर आप चाहो, अगर आप टेलीग्राम वगैरह यूज़ नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट कर रहे थे कि हम टेलीग्राम यूज़ नहीं कर सकते, तो आप व्हाट्सएप पे भी मेरे को ज्वाइन हो सकते हो, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो जल्दी से जाके ज्वाइन हो जाओ और बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अभी मैं आपको विद लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ किस तरीके से इसको फिक्स करते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना कैपकट ओपन करता हूँ, आपको भी सेम प्रोसेस करना है। यहाँ पे कैपकट ओपन करना है। कैपकट ओपन करने के बाद यहाँ पे देखो कुछ मैंने एडिट्स वगैरह भी करा है। यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट मेरे को टेम्पलेट का फीचर शो हो रहा है, क्योंकि एक बार अगर आप इनेबल कर लेते हो टेम्पलेट का फीचर को तो वो हमेशा शो होता रहेगा, उसके बाद आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले कुछ इस तरीके का इंटरफेस है, आपको यहाँ पे सेटिंग में चले जाना है कैपकट के। कैपकट के सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे देखो आपको एक नीचे ऑप्शन दिखेगा, नीचे से सेकंड लास्ट को बिजनेस क्रिएटर मोड। अब बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट करते हैं कि यहाँ पे बिजनेस क्रिएटर मोड उनके ऐप में शो नहीं हो रहा है, तो जो एप्लीकेशन मैंने डाउनलोड करने के लिए प्रोवाइड करा है उससे डाउनलोड करो। आप टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप पर ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पर उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, पिक करो, अनइंस्टॉल करो, और उसके बाद जाके जो ये प्रॉब्लम आपका फिक्स होगा, आपको यहाँ पर आसानी से जो बिजनेस क्रिएटर मोड जो है शो होने वाला है। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको इनेबल करना है। अभी मैंने VPN इनेबल नहीं कराया, ठीक है। तो सबसे पहले इसको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद इसको कट करके यहाँ पे बैक आ जाना है। अब यहाँ पे जो VPN मैंने प्रोवाइड करा है उसको ऑन करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने ऑन कर लिया, और यहाँ पे आपको क्या करना है, यूनाइटेड स्टेट में जो है यहाँ पे सर्वर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे न्यूयॉर्क का सर्वर आपको दिख रहा होगा, इस पर टैप करके सिंपली इसको यहाँ से कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे वेट कर लेते जब तक कनेक्ट नहीं हो रहा। ये प्रोसेस करने टाइम आप अपना कैपकट जो है उसको ऑफ कर लो, जो अभी आपने ओपन करा था उसको कम्प्लीटली रिसेंट टैप से जो है यहाँ पे कट कर लेना है। और उसके बाद जैसे आपको VPN कनेक्ट हो गया, अगेन जो है आपको यहाँ पे कैपकट ओपन करना है अपना। जब कैपकट ओपन करोगे तो यहाँ पे हो सकता है आपको अगेन जो है नेटवर्क एरर का प्रॉब्लम आए। यहाँ पे मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि एक ही टाइम में जो आपका फिक्स हो जाएगा, उसको क्या करना है, आपको दो तीन बार रिफ्रेश करना है, और या फिर यार एक दो बार जो है कैपकट ऑन मतलब ऑफ करके फिर से ऑन करना है रिसेंट टाइम से, इस तरीके से कट करके और यहाँ से फिर से जो है आपको ऑन करना है। मेक श्योर करना VPN उस टाइम ऑफ नहीं होना चाहिए, VPN आपका इनेबल रहना चाहिए, VPN को कट मत कर देना। यहाँ पे दो तीन बार करने के बाद आपका यहाँ पे टेम्पलेट का जो है ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है, और साथ में धीरे धीरे जो है ये लोड हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि कोई भी VPN में ये चीज़ वर्क करने वाली है, कुछ प्रीमियम VPN जो है उसी पे वर्क करने वाला है, तो वो ऑलरेडी मैंने अपने ग्रुप पर प्रोवाइड कर रखा है, तो वहाँ से आप ले सकते हो। यहाँ पे देखो इस तरीके का जो है इनेबल होने के बाद आपको यहाँ पे सारे टेम्पलेट के फीचर्स जो यहाँ पे इनेबल हो जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ से आप कोई भी टेम्पलेट को सर्च वगैरह भी कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कुछ प्रो फीचर, जितने भी प्रो फीचर्स है कैपकट के वो भी मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो एडिट पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं इतना एक वीडियो लेता हूँ, वीडियो लेने के बाद यहाँ पे सबसे पहले इफेक्ट्स पे जाता हूँ, वीडियो इफेक्ट्स में जाता हूँ, यार यहाँ वेट कर लेते हैं, देखते हैं कि हमारा इनेबल होता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम वेट कर लेते हैं, तो गाइस यहाँ पे देखिए तो जितने भी प्रो वाले जो जितने भी इफेक्ट्स है वो सब कुछ इनेबल हो चुके हैं। यहाँ पे मैं एक सिंगल टैप में जो है डाउनलोड वगैरह भी कर सकता हूँ। हाँ, हो सकता है VPN कनेक्ट हो तो थोड़ा नेट स्लो हो सकता है आपका, इस चक्कर में थोड़ा लेट से जो है लोड हो सकता है। डिफरेंट डिफरेंट प्लेस की बात है, यहाँ कहीं पर स्पीड में लोड हो जाता है, कहीं पर जल्दी, कहीं पर थोड़ा टाइम लेता है लोड होने में, तो आपको वेट कर लेना है। लोड होने के बाद जो यहाँ पे किसी भी फीचर्स को आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो मैं एक प्रो फीचर यूज़ करता हूँ, और यहाँ पे एक्सपोर्ट करके भी दिखाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि प्रो फीचर
यूज करने के बाद जो है एक्सपोर्ट नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे एनिमेशन में जाता हूँ यहाँ पे मैं, और यहाँ वेट कर लेते हैं, तो एनिमेशन लोड हो गया। यहाँ पे देखो जैसे तो मेरे को ये एनिमेशन है, ये एनिमेशन मैंने यहाँ पे इस पे यहाँ पे लगा दिया, देख सकते हो यहाँ पे ये एनिमेशन लग चुका है जो कि एक प्रो एनिमेशन है। अब यहाँ पे सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपने कुछ सेटिंग्स को इनेबल करके यहाँ पे एक्सपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ वहाँ पे एक्सपोर्ट होता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो एक्सपोर्ट पे टैप करूँगा, तो यहाँ पे मेरे को बोल रहा है वन मिसिंग क्लिप, मतलब कोई भी जो है यहाँ पे मेरे जो भी इसमें क्लिप्स ऐड है उसमें से एक क्लिप जो है गलती से डिलीट हो गया है। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट एनीवेयर, एक्सपोर्ट एनीवेयर मैं करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे देखो एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टाइम लगता है, और क्योंकि ऑब्वियसली बड़ा फाइल है तो यहाँ पे टाइम लगता ही है। तो यहाँ पे एक सिंगल टैप में आप एक्सपोर्ट वगैरह भी कर सकते हो, मैं फिलहाल इसको क्विट कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक्सपोर्ट कर रखा है इसको। तो यहाँ पे इस तरीके से जो ये सारा कुछ आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे कोई भी आपको इशू नहीं होने वाली है। अब यहाँ पे इसके साथ दो तीन बातों का आपको और ध्यान रखना है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई नया अपडेट आता है तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से अपडेट नहीं करना है, इसको कम्प्लीटली अनइंस्टॉल करना है। जो अपडेट मैं प्रोवाइड करूँगा आपको वही से इंस्टॉल करना है, पुराने वाले वर्जन को अनइंस्टॉल करके। दूसरी चीज़ यहाँ पे टाइम टू टाइम आपको यहाँ पे क्लियर कैचे करते रहना है, ठीक है। आप क्लियर कैचे किस तरीके से होगा वो भी मैं बता देता हूँ, ऑब्वियसली आप में से बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता होगी। यहाँ पे देखो सिंपली आपको क्या करना है, कैपकट में यहाँ पे आप सेटिंग से भी कर सकते हैं, यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करना है, इस पर सिंपली टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पे स्टोरेज में चले जाना है, स्टोरेज में जाने के बाद यहाँ पे देखो दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, क्लियर डाटा और क्लियर कैचे। तो सिंपली आपको क्लियर कैचे करना है, मिक्सअप करना क्लियर डाटा नहीं कर दो, अदरवाइज जो भी आपने फाइल्स वगैरह डाउनलोड की होगी, एडिटिंग वगैरह की होगी, कोई फाइल्स वगैरह कोई नया प्रोजेक्ट वगैरह इसमें इंक्लूड करा हो तो वो सब डिलीट हो जाएगा। तो मेक श्योर करना क्लियर कैचे करो टाइम टू टाइम, विद इन 2 to 3 weeks के अंदर जो है इसको क्लियर कैचे करते रहना है, जिससे जो आपको टेम्पलेट वाले फीचर्स को यूज़ करने में, साथ में जितने भी कैपकट के प्रो फीचर्स है उसको यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इस बात पर ज़रूर ध्यान रखना। बाकी गाइज अगर आपको इसके अलावा कोई और नए टाइप का इशू या फिर एरर आता है तो वो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पे भी डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, ताकि मैं आपको रिप्लाई करके उसका सॉल्यूशन वगैरह बता सकूँ। आगे और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए या फिर किसी एप्लीकेशन पे वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हो, क्योंकि मैं वहाँ पे सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ, और जितने भी आपके प्रॉब्लम्स होते हैं वहीं पे मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। एंड कैसा लगा वीडियो वो भी नीचे जरूर कमेंट्स करके बताना। टेलीग्राम चैनल मैं ज्वाइन कर लेना, अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर सकते तो वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे गिवअवेज वगैरह होते रहते हैं, जहाँ पे आप गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड विन कर सकते हो, डायरेक्टली मेरे फाइल्स को एक्सेस कर सकते हो। तो मेक श्योर करना दोनों जगह में से कहीं भी ज्वाइन हो जाओ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलो अब मैं मिलता हूँ आपको एक और नए वीडियो के साथ, टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।